राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति किसी को इतराज नहीं है, किसी ने उसकी आलोचना नहीं की भाषण की हर बात। अब देखिए क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने, मैं उन्हीं के शब्द कोट करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा था, जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था, जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश और देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए हो रही है। ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो राष्ट्रपति जी के भाषण के पैराग्राफ को मैं कोट कर रहा हूँ, और मुझे आशंका थी कि ऐसे ऐसी बातों पर यहाँ जरूर इतराज करने वाले तो कुछ लोग निकलेंगे, वो विरोध करेंगे कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन मुझे खुशी है किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभारी हूं कि सबके प्रयास के परिणाम आज इन सारी बातों को पूरे सदन में स्वीकृति मिली है, इससे बड़ा गौरव का विषय क्या होगा। जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा, मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलत फहमी पाल करके बैठे हुए हैं। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है, मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दिए है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर, मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी, क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां
आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, उनको उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें कैसे क्यों वो भरोसा करेगा? जिंदगी 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है, जिंदगी बच गई है उनकी, मुसीबत के समय मोदी काम आया है, तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा? कैसे स्वीकार करेगा? आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो, वो विश्वास का सुरक्षा कवच है, और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं, गौरव के क्षण हम जी रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पूरे भाषण में जो बातें हैं, वो 140 करोड़ देशवासियों के सेलिब्रेशन का अवसर है, देश ने सेलिब्रेट किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है, तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा, आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं, ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश अजरा अमर है। आओ हम चल पड़े 2047 आजादी
के 100 साल मनाएंगे, एक विकसित भारत बना के रहेंगे, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चले, पूरे सामर्थ्य के साथ चले। मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी को अभिनंदन करता हूँ, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूँ और देश आज यहाँ से एक नए उमंग, नए विश्वास, नए संकल्प के साथ चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।